हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैंने इंस्टाग्राम पे अपने प्लांट्स के बारे में कुछ ना कुछ स्टोरी डालती रहती है, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। एंड मैं आपको पर्सनली बताऊं तो आई एम अ प्लांट लवर। मैंने बहुत सारे प्लांट्स के बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा था। रिसेंटली मैंने अजवाइन के पत्तों के बारे में डाला था, लेमन ग्रास टी के बारे में डाला था। आज मैं बात करने वाली हूँ स्पेशली करी पत्ता के बारे में, क्योंकि इन प्लांट्स से हमें नेचुरल बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो जिसकी हम टैबलेट्स लेते हैं, पिल्स लेते हैं, और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन सब के सप्लीमेंट्स लेते हैं, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी, या फिर आपका फिश ऑयल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके आप सप्लीमेंट्स लेते हो। अगर आपके पास गार्डन है, लैंड है, आप बहुत सारे प्लांट्स लगाएं, आपका पूरा घर में एक तो बरकत आएगी, सेकेंडली पीसफुल घर रहेगा, थर्डली आपको हेल्थ बेनिफिट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप डेली बेसिस पे अपनी डाइट में ऐड करेंगे, एंड आपका वेट लॉस होगा बहुत अच्छा, आप फिट रहेंगे, आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा और बीमारियाँ आपसे बहुत दूर रहेंगी। सो आज हम बात करेंगे करी पत्ता के बारे में। करी पत्ता के मेरे घर में ऑलमोस्ट 4 प्लांट्स हैं। मैं बहुत सारी सब्जियों में करी पत्ता ऐड करती हूँ, ग्रेवी में मैं हमेशा करी पत्ता डालती हूँ, राइस बनाते हुए करी पत्ता डालती हूँ, करी पत्ता का डिटॉक्स वाटर पीती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मैं करी पत्ता से बनाती हूँ और खाती हूँ और सबको खिलाती भी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, मैं उनको भी करी पत्ता से रिलेटेड कोई ना कोई मौजे तो मैं कहीं ना कहीं घुसाड़ के मैं पिला देती हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि जो आ रहा है उसको भी हेल्थ बेनिफिट हो। सो आज हम बात करेंगे करी पत्ता की टी, डिटॉक्स वाटर, इवनिंग टी की रेसिपीज के लिए, ये कैसे आपको वेट लॉस देगी, इसके साथ किस टाइप का डाइट करेंगे ताकि आपको मैक्सिमम वेट लॉस मिले, ह्यूज इंच लॉस मिले और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिले। सो पहली चीज़ है करी पत्ता के बेनिफिट्स क्या हैं। नंबर 1, एक ये बहुत तगड़ा फैट कटर ड्रिंक है, बहुत बहुत तगड़ा। इनफैक्ट अगर मैं पर्सनली बताऊं तो ये सिनेमन से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैट कट करता है, और आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में, आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करने में ये बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। सेकेंडली, इसमें विटामिन सी बहुत ही हाई लेवल पे है, जिसकी हेल्प से आपकी स्किन का जो ग्लो है वो बहुत मेंटेन होता है, आपके एक्ने नहीं आते, आपके एक्ने के स्कार्स चले जाते हैं और आपकी स्किन जो है एकदम शाइन करेगी अगर आप इसको 1 महीने तक कंटिन्यू अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो। नेक्स्ट, जिन जिन लोगों का हेयर फॉल का प्रॉब्लम है वो भी करी पत्ता लेंगे, उससे आपको बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। नाउ, जिन जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई है, उन लोगों के लिए करी पत्ता वर्क लाइक मैजिकल। आप 10 से 15 करी पत्ता डेली खाएंगे या उसका डिटॉक्स वाटर पियेंगे, जिसकी रेसिपी मैं अभी शेयर करूंगी, यू विल फील लाइक कि 1 महीने के अंदर बिना किसी दवाई के आपका जो कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट, आपका लिपिड प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन, हम बात करते हैं जिन जिन लोगों को PCOD का प्रॉब्लम है और जिन लोगों को लाइक बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स है, जिनके हार्मोन्स अनबैलेंस है, ये कड़ी पत्ता आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में भी काम आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करते हैं जिन लोगों को शुगर है, जिनसे नीम का पत्ता खाया ही नहीं जाता, खाते ही उल्टी आ जाती है, उन लोगों के लिए करी पत्ता इज द बेस्ट। ये शुगर को कंट्रोल करने में, इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट, जिन जिन लोगों को फिशर एंड पाइल्स का प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट स्टूल बहुत पास होता है, जिनको 3 दिन में सिर्फ एक ही बारी फ्रेशन अप होता है, जो कि बहुत सारी रेमेडीज करके देख चुके हैं, ट्राई करी पत्ता का डिटॉक्स वाटर और करी पत्ता का ड्रिंक जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। यू विल फील लाइक कि एवरी डे आप फ्रेश होगे, डेली अच्छे से आप फ्रेश होगे। और अगर करी पत्ता का पौधा लगा रहे हो, कम से कम 4 से 5 पौधे आप अपने घर में मैक्सिमम लगाएं, और अगर लैंड है आपके पास, जमीन है वहां पे, तो आप अच्छे से फैला के करी पत्ता लगाओ, बहुत अच्छे से फैला के। ओके जी, करी पत्ता जो है आपको मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर देता है, जिसकी हेल्प से जो आपका मेटाबॉलिक रेट है वो एकदम हाई पे जाएगा और आपका जो वेट लॉस है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको वेट लॉस देगा। स्पेशली जिन जिन लोगों के बॉडी पे इन्फेक्शंस रहते हैं, जिनको इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, या फिर जिनकी बॉडी में रेडनेस आ जाती है, जिनके टमी में अल्सर रहते हैं, या फिर जिनको स्टमक इन्फेक्शन बहुत फ्रीक्वेंट लगता है, उन लोगों के लिए करी पत्ता जो है वो बहुत ही मैक्सिमम बेनिफिट देता है। सो करी पत्ता यूज़ कैसे करें? आप तो घर में करी पत्ता के पौधे भी हैं, लगा रखा है, उसको यूज़ कैसे करेंगे? मैं यहाँ पर करी पत्ता की पहले आपको मॉर्निंग ड्रिंक बताऊँगी। आप अपने बेनिफिट के हिसाब से आप मॉर्निंग ड्रिंक ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जूसेस चल रहे हैं, सो एक दिन आप जूस लेंगे, सेकेंड डे आप अपना करी पत्ता का ड्रिंक लेंगे। सो आप ऑल्टरनेट डे अपने करी पत्ता का मॉर्निंग ड्रिंक ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर, या फिर वीकली ट्वाइस भी अगर आप अपना करी पत्ता का मॉर्निंग ड्रिंक लेंगे, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। सो मॉर्निंग ड्रिंक बनाना कैसे है, चलते किचन में। ओके जी, सो यहाँ पे मेरे करी पत्ता जो हैं, इसको मैंने अभी गार्डन से तोड़कर और ये अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके, इसकी सारी मिट्टी निकाल के इसको यहाँ पे ड्राई करने रखा है।
अब हम बनाएंगे इनसे डिटॉक्स वाटर एंड टी। सो पहले हम बना रहे हैं मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के लिए यहाँ पे मेरे पास है ये हमारा कूटन दानी, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा आधा चम्मच जितना जीरा, और यहाँ पे मैं लूँगी हमारे 10 पत्ते जितने कड़ी पत्ता। और अब हम इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बिल्कुल आधा चम्मच जितना पानी। यस, सो ये इस तरीके का मिक्सचर बन गया है हमारा। ओके, यहाँ पे मेरा पानी उबल रहा है, ये मैंने 1.5 कप पानी डाला है, इसके अंदर मैं अपना ये मिक्सचर डाल दूंगी। इसको हम उबालेंगे कम से कम 30 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद ये टी के अंदर हम एक और चीज़ डालेंगे, फिर ये टी रेडी। तो ये टी जो है हम बिना छाने लेंगे, और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ मेरा 1/2 लेमन जूस, एंड दिस मॉर्निंग टी इज एब्सोल्युटली रेडी। वेलकम बैक जी। तो अब हम बात करते हैं डिटॉक्स वाटर के बारे में। करी पत्ता का डिटॉक्स वाटर कैसे बनना, और ये टेस्ट में इतना यमी होता है, इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फ्रूट डाल सकते हो। मेरे पास एप्पल पड़ा था, सो आज मेरा करी पत्ता का डिटॉक्स डे है, सो मैंने एप्पल डाल लिया। और अगर आपके पास पाइन एप्पल पड़ा है, पाइन एप्पल डाल सकते हो, पियर डाल सकते हो, ग्रेप्स डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। बट जिन जिन लोगों को शुगर है वो सिर्फ एप्पल डाल के ही अपना करी पत्ता का डिटॉक्स वाटर बनाएंगे। अगर आप वेट लॉस के जर्नी पे हो, डिटॉक्स वाटर जो है करी पत्ता का, आप वीकली 1 या 2 ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ट्यूजडे को लिया तो आप फ्राइडे को लोगे, वेंसडे को लिया तो आप सैटरडे को लोगे, या फिर अगर आप मेंटेनेंस पे चल रहे हो देन आप वीकली 1 or 2 इजिली ले सकते हो, इट्स अप टू यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत सारा जंक खा लिया एक दिन, बहुत सारा जंक खा लिया, पार्टी में गए या फिर किसी क्लोज का फंक्शन, तो आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। नेक्स्ट डे अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक में डिटॉक्स वाटर करी पत्ता लेते हो, इवनिंग की टी में करी पत्ता का लेते हो, तब आप देखना अगले दिन आपका जो गेन वेट है वो बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी से सब कुछ फ्लश ऑफ करवा देगा ये करी पत्ता। सो डिटॉक्स वाटर करी पत्ता का बनाना कैसे है, चलते हैं किचन में। ओके जी, सो यहाँ पे अब हम बनाने जा रहे हैं डिटॉक्स वाटर। सो डिटॉक्स वाटर के लिए ये 1 लीटर पानी में से 1 गिलास पानी मैंने यहाँ ब्लेंडर में डाला है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरा 1/2 एप्पल। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ 15 से 20 हमारे कड़ी पत्ता, और अब हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो ये रहा हमारा करी पत्ता, और ये रहा हमारा 1 लीटर वाला पानी। अब इसके अंदर हम ये पानी मिक्स कर देंगे, और ये तैयार है हमारा डिटॉक्स वाटर। अब इसको बनाना कब है, सुबह आप बना लो ब्रेकफास्ट के बाद 9:30 एंड 10 o'clock के आसपास इसको पीना हम चालू करेंगे। इसके साथ साथ आप नॉर्मल पानी भी पी सकते हो, और इसको हम पीना चालू करेंगे बनाते ही, और फिनिश कर लेंगे 3 बजे तक। बीच बीच में अगर आपको इसको फ्रिज में रखना है, फ्रिज में भी रख सकते हो। आपने इसके अंदर आइस डालनी है, थोड़ा सा ठंडक चाहिए, तो इसमें आइस भी आप ऐड कर सकते हो। वेलकम बैक जी। सो अब हम बात करते हैं इवनिंग टी के बारे में। मैं यहाँ पे बोलूँगी मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इवनिंग टी तो रेगुलर रख लो आप अपने समर्स में ना, कम से कम 15 से 20 दिन तो आप इसको कंटिन्यू करो। और ये बहुत ही इजी है बनाना, बहुत ही इजी। जो जो लोग मेंटेनेंस पे हैं वो ये इवनिंग टी तो डेफिनेटली अपनी डाइट में ऐड करिए, और आप देखिए मैक्सिमम बेनिफिट्स अपनी बॉडी के अंदर। इंच लॉस, फ्लैट टमी, और आपका स्किन अच्छा हो जाएगा, बाल अच्छे हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो आ जाएगा। और जो इंच लॉस पे परेशान रहते हैं ना लोग, वेट लॉस के बाद इंच लॉस नहीं हुआ, जिम नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए ये बहुत मैक्सिमम बेनिफिट देगा। सो इवनिंग टी कैसे बनाना है, चलते हैं किचन में। ओके जी, नेक्स्ट हम बनाने जा रहे हैं करी पत्ता के साथ ग्रीन टी इवनिंग टी के लिए। यहाँ पे मैंने लिया है 5-6 लीव्स करी पत्ता के। इसके अंदर अब मैं डालूंगी 1/2 स्पून जितना पानी। तो ये जो हमारा करी पत्ता है ये मैंने अच्छे से पीस लिया है। ओके जी, सो यहाँ पे मेरे पास है मेरा मग्गा। मग्गा के अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप गरम पानी। करेक्ट। सो यहाँ पे मेरे पास है ग्रीन टी के पाउच। मेरी जो लूज ग्रीन टी है वो ख़त्म हो चुकी है, सभी जुगाड़ कर रहे हैं हम। सो ये ग्रीन टी के जो पाउच है ये मैंने डाला अपनी ग्रीन टी में।
नेक्स्ट ये जो हमारे पास पीसे हुआ करी पत्ता है ये हमने इसमें मिक्स करा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट आप आधा नींबू भी इसमें ऐड कर सकते हो। एंड दिस ग्रीन टी इज़ रेडी इवनिंग के लिए। वेलकम बैक जी। सो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मॉर्निंग ड्रिंक, डिटॉक्स वाटर, इवनिंग टी तीनों एक साथ दोगे तो वो आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस कर देगा। सो अपना हिसाब किताब से मत चलना कि तीनों एक दिन में लगातार ठोक के ले लिया, वो गलत हो जाएगा। तीनों में से एक जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से चलेगा। इवनिंग टी आप रेगुलर ले सकते हो, बट जो हमारा डिटॉक्स वाटर और मॉर्निंग ड्रिंक है वो वाइसा वर्सा चलता रहेगा। नेक्स्ट सिचुएशन पे मैं बात करती हूँ, अगर आप तरीके की तमीज़ की डाइट फॉलो करते हो विद दिस डिटॉक्स वाटर एंड मॉर्निंग ड्रिंक एंड इवनिंग टी, आप इजीली लूज़ कर जाओगे 5 से 7 किलो इन अ मंथ। बहुत ही इजीली लूज़ कर जाओगे कि अगर आपका बहुत बैलेंस डाइट चल रहा है, आप अच्छे से खा रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर जा रहे हो। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल एंड नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊँगी ऑन सैटरडे। सो या दैट्स इट। लीव अ कमेंट कि किस किस को कितने बेनिफिट्स मिले। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।